हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने पांडा स्टोर की एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, पांडा स्टोर में अभी तक आप लोगों ने देखा है कि रिशिता ने रावी को काफ़ी हर्ट किया है और रावी उसकी वजह से काफ़ी रोती रहती है, जो कि धरा वहाँ आ जाती है और वो ये सब देख लेती है। धरा ये सब देख के बहुत ही शॉक्ड होती है कि रिशिता ऐसा कैसे बोल सकती है, मतलब इस तरीके से कैसे किसी को हर्ट कर सकती है। रावी बहुत हर्ट हो जाती है और वो बहुत रोने लगती है। देव उसे मना करता रहता है रिशिता को कि तुम कुछ मत बोलो, लेकिन रिशिता फिर भी चुप नहीं होती है और वो बहुत कुछ सुनाती है रावी को। और रावी उसकी मतलब उसके उसका कोई जवाब नहीं देती है उसको, रिशिता को। और धरा जो है वो आगे चल के मतलब बहुत परेशान हो जाती है, वो रिशिता का ऐसा अवतार देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी है और रावी के लिए भी दुखी है कि मतलब रावी और शिवा के रिलेशनशिप में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आज रिशिता बोलती है कल कोई और बोलेगा। तो इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो सोचती रहती है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो गौमी से इस बारे में डिस्कशन करती हुई नज़र आने वाली है हमें आगे के एपिसोड्स में, जिसमें कि हमें देखने को मिलेगा कि वो उससे बात करती रहती है कि हमें शिवा और रावी के रिलेशनशिप में आगे कुछ मतलब उनको कुछ ऐसा मतलब करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो और क्लोज आए और उन लोगों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। और रिशिता को सबसे पहले फैमिली की वैल्यू समझानी पड़ेगी, उसे ये बताना पड़ेगा कि हम मतलब एक फैमिली है और हम ऐसा एक दूसरे को नहीं बोल सकते हैं, और किसको कितना मतलब बोलने से किसको हर्ट होता है किसको नहीं होता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें एक दूसरे के सुख दुख में कैसे खड़े रहना है, ये सारी चीज़ें मतलब रिशिता को फैमिली की वैल्यू ओवरऑल समझाने वाले हैं धरा और गौमी मिलके, और इन लोगों की शिवा और रावी के रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत काम करने वाले हैं। तो आगे के एपिसोड्स में हमें यही देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की अपडेट। अब मिलती हूँ अगली अपडेट में फिर से आप लोगों के लिए नए इसी सीरियल की एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और अगर आप लोगों को मेरी अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर